मिशन पर्यावरण। जंगल में रहने वाले जानवरों में के लिए हम ज्ञान ले रहे हैं। आज हम कंगारू के बारे में जानकारी लेंगे। कंगारू एक शाकाहारी जानवर होता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के घास के जंगलों में पाए जाते हैं। कंगारू घास व पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। कंगारू के दो कान, दो आंखें व एक लंबी पूंछ होती है। जिस समय कंगारू कूदता है उस समय उसका भार सहने के लिए उसकी पूंछ होती है। कंगारू झुंड बनाकर रहते हैं। माता कंगारू अपने बच्चों को पेट में बनी थैली में कई महीनों तक रखती है, जिससे जंगली जानवर उनको ना पकड़ सके और ना उनका शिकार कर सके, उनकी सुरक्षा रह सके। कंगारू की आगे की टांगें छोटी होती हैं व पीछे की टांगें बहुत ही लंबी होती है और ताकतवर भी होती है। कंगारू की आंखें बहुत तेज होती हैं, लेकिन ये सिर्फ चलती फिरती वस्तुओं को ही देख पाते हैं। इनके कान सुनने में बहुत ही तेज होते हैं। कंगारू के पैरों में अंगूठे नहीं होती है। हमारे पैर में अंगूठा होता है, उनके अंगूठे नहीं होते हैं। कंगारू बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। जैसे अपने रेगिस्तान के अंदर ऊंट रहता है ना, कई दिनों तक बिना पानी के रहता है, उसके पेट में एक पानी की थैली होती है। उसी प्रकार कंगारू के पेट में भी एक पानी की थैली होती है। कई दिनों तक उनको पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, तो वो जीवित रह सकते हैं। कंगारू एक बार में 30 फीट ऊंचा कूदता है। एक समय की बात है, आज हमने एक कहानी सुनेंगे कंगारू के बारे में। एक समय की बात है, बहुत बड़ा एक जंगल था। जंगल के अंदर सभी जानवर रहते थे, तो वहां बंदर भी रहते थे। बंदर बहुत ही चालाक और शरारती थे। सभी जानवरों को वो परेशान करते थे, शरारत करके सारे परेशान थे उनसे पशु पक्षी। तो एक बार क्या होता है कि वो सब बैठ के उनके सरदार के साथ में और निर्णय लेते हैं कि कंगारू बड़े सीधे साधे हैं और झुंड बनाकर रहते हैं, चलो आज हम उनको परेशान करेंगे, हमको खूब बड़ा मजा आएगा। तो वो कंगारू के पास जाते हैं। कंगारू बेचारे गांव जंगल के अंदर कहीं से भोजन लेके आ रहे होते हैं झुंड में, तो उनके पास में सबके हाथों में फल थे और वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इतने में बंदरों का पूरा झुंड आता है और उनको कहता है कि क्या इतना सारा भोजन आप अकेले खाओगे? तो कंगारू का जो सरदार होता है वो कहता है कि भैया हमारा रास्ता मत रोको, हमें आगे जाके और भी काम करना है। तो बंदर कहते हैं ठीक है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, जाओ। तो कंगारू चुपचाप जाने लगता है, तो बंदरों के पूरे के पूरे झुंड उनके ऊपर टूट पड़ते और हाथों से पूरे फल लेके चले जाते हैं। इस प्रकार वो कंगारुओं को भी परेशान करने लग जाते हैं। अब जंगल के अंदर एक सभा बैठती है, सारे पशु पक्षी शामिल होते हैं कि इस प्रकार ये रोज शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, हमारा भोजन छीन के खा जाते हैं और हमको परेशान करते हैं, अब बंदरों को मजा चखाना ही पड़ेगा। तो सब पशु पक्षी मिलके और बंदरों के पास जाते हैं और बंदरों के सरदार को कहते हैं कि हमने कल आपको हमारे यहाँ पर दावत खाने के लिए बुलाया, आप आना हमारे वहां पर। इस प्रकार का नेता देखे और सभी पशु पक्षी जंगल में चले जाते हैं और बंदर बड़े खुश होते हैं कि आज तो हम बिना मेहनत के ही भोजन करेंगे, बड़ी अच्छी दावत होगी, चलो आज दावत खाने चलते हैं। ऐसे करके और सारे बंदर जंगल में जाते हैं। उधर क्या होता है, सारे पशु पक्षी अपने अंडे लेके और रख लेते हैं एक तरफ और उनको दावत भी बुलाते हैं। दावत भी बुला के और उनको कहते हैं कि आज आप दावत तो लेओगे
भोजन तो करोगे लेकिन एक शर्त है। कि क्या शर्त है बताओ? तो उन्होंने कहा कि आज आप हाथ को छू के भोजन नहीं करोगे, ठीक है ना, आज बिना हाथ के भोजन करोगे। तो मित्रों ने कहा यह क्या है, हम तो खा लेंगे, हम तो हमारा मुंह है, हम तो ऐसे लेके खा लेंगे, हाथ की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो हमारे साथ कई बार हुआ है ऐसे करके, और सारे बंदरों को रस्सी से हाथ से बांध देते हैं और गोला बना देते हैं और उनके सामने भोजन परोस देते हैं और कहते हैं कि आप खाओ। अब बंदर नीचे मुंह करते हैं और पीछे से सारे पशु पक्षी उनके ऊपर वार करते हैं। पशु तो चौंचे मारते हैं और परेशान करते हैं उनको, और पशु भी उनको थप्पड़े मार के और लाते मार के गुस्से मार के उनको परेशान करते हैं। अब बंदर तो हिल भी नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। अब वो उनसे माफी मांगते हैं कि हम अब आगे से आप लोगों को कोई भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे, आज से हम सब मित्र हैं। जब वो ऐसा वादा करता है